दोस्तों, आपने हरियाणा की पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा करने के लिए जस्ट आपने एडमिशन के लिए आपने अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। और दोस्तों, आपको पता है कि आपका अब इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप 10th बेस पर डिप्लोमा करोगे पॉलिटेक्निकल में तो आपका 3 साल का रहेगा, अगर आप 12th बेस पे करोगे तो आपका 2 साल का रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि आपके 10th में 60% नंबर आए हैं, 60% या फिर 70% या फिर 80% या फिर 90% से ऊपर। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके 12th में 60, 70, 80, 90% आपके नंबर आए हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक रैंक दिया गया है, मींस कि आपके 10th में नंबर कितने हैं या फिर 12th में आपके नंबर कितने हैं, तो उसके आधार पर आपको रैंक दिया गया है। जितना छोटा आपका रैंक होगा उतने ही आपके चांस बढ़ जाएंगे जो भी आपकी पसंद की चॉइस है, मींस आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों, रैंक दोस्तों जो आपको मिलेगा आपके मार्क्स के हिसाब से, उसके आधार पर आपको फिर यहाँ पर सीट या फिर एडमिशन सीट आपको मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर पिछले साल की यानी लास्ट ईयर की आपको रैंक दिखाने वाला हूँ। अगर आपका रैंक इसके बीच में आता है तो आपको बड़े आराम से सीट मिल जाएगी हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा करने के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वेल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके सामने हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की जो वेबसाइट है, मैं इस पर हूँ, आपके सामने आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपकी 2 ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके आधार पर दोस्तों देखिए आपका जो भी रैंक आपको मिला है आपके मार्क्स के हिसाब से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लास्ट ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब देखिए दोस्तों, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, लाइक हरियाणा की किसी भी पॉलिटेक्निकल में जो कि हरियाणा में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर पे यानी यहाँ पर 10th बेस पे अप्लाई किया, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट का आप नाम लिखोगे, यानी कि जिस भी पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन लेना चाहते हो, हरियाणा की किसी भी पॉलिटेक्निकल में आपका जिसमें भी मन है, जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अम्बाला से, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको रैंक देखना है इसमें कि पिछले साल क्या रैंक रहा था और किस स्टूडेंट को क्या सीट एडमिशन सीट मिली। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर में तो आपकी ब्रांच आएगी कि आप ऑटोमोबाइल से करना चाहते हो, सिविल से करना चाहते हो या फिर आर्किटेक्चर से करना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर आपकी कैटेगरी होगी, जैसे कि आप मान लीजिए एससी से बिलोंग करते हैं या फिर आप मान लीजिए बीसीए से या फिर आप जिससे भी बिलोंग करते हैं। जहाँ पर दोस्तों एफ लिखा हुआ है ये आपका फीमेल है, और जहाँ पर दोस्तों यानी कि एफ नहीं लिखा हुआ है वो बॉयज़ के लिए सीट है, एडमिशन सीट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ऑटोमोबाइल में ये आपके कैटेगरी नंबर हैं, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर जितने भी स्टूडेंट ने मिली थी उसका रैंक कितना था, AIC में मिनिमम जो रैंक था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसका 507 रैंक था तो यहाँ पर उसको सीट मिली थी ऑटो मोबाइल इंजीनियर में। और ऐसे ही अगर उसका जो मैक्सिमम रैंक गया था वो 4575 गया हुआ था। इसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है उन्होंने यहाँ पर कुछ डाटा को हाइड किया हुआ है, यानी कि कुछ डाटा फिलअप नहीं है। तो इसके हिसाब से जो डाटा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप सिविल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से करना चाहते हैं तो इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है BCA, तो यहाँ पर BCA का दिखाया हुआ है कि BCA का जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में लास्ट ईयर 5328 जिसका था, उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिली थी जिसकी कैटेगरी BCA के अंडर में थी, और मैक्सिमम जो इसका गया था BCA में इसका गया था दोस्तों रैंक 9208। यानी कि अगर आपको इससे नीचे है या फिर आपका इसके बीच में है तो लास्ट ईयर के हिसाब से आपको आप देख सकते हैं कि आपका रैंक क्या है। इसके अलावा जितने भी इसमें ट्रेड हैं, जितने भी फील्ड हैं, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज है, अगर मैं ऊपर को क्लिक करता हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी और पॉलिटेक्निकल का देखना चाहते हैं जो कि हरियाणा में है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी आपको पॉलिटेक्निकल मिल जाएंगी जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं।
तो आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर नीलू खेड़ी की बात करूँ, ये बहुत अच्छी पॉलिटेक्निकल है, इसका नाम बहुत चलता है, प्लेसमेंट बहुत होती है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, उसके बाद डिस्प्ले पर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉलिटेक्निक में कितनी ब्रांच हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी सारी ब्रांच है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो यहाँ पर AIC की जो कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, उनका 211 जिसका रैंक था इससे या फिर इससे नीचे था, उसको यहाँ पर बड़े आराम से मिली थी। मैक्सिमम जो रैंक गया था वो गया था 501। इसके अलावा जो भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आते हो, उसके हिसाब से आप देख सकते हो रैंक कितना है। इसके अलावा अगर मैं SD और यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम रैंक दिया गया है BCA BCB का, तो यहाँ पर आप BCA का देख सकते हो कि BCA का जो नीलू खेड़ी पॉलिटेक्निकल है गुरु ब्रह्मा जी के नाम से, उसमें 1892 गया था मिनिमम, और मैक्सिमम जो था 2726। यानी अगर आपका 2726 रैंक अगर इससे नीचे है, तो आपको ये ट्रेड बड़े आराम से मिल जाएगी इस कैटेगरी में। तो कुछ यहाँ पर है अभी और कुछ यहाँ पर ट्रेड नहीं है। इसके अलावा बहुत सी और भी यहाँ पर कैटेगरी है, जैसे कि BCB हो गया, तो BCB में यहाँ पर रैंक जो मैक्सिमम गया था वो इतना गया था। सारी कैटेगरी है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो। अब उसके बाद ESM में यहाँ पर स्टूडेंट नहीं थे, तो ये खाली यहाँ पर सीट गई हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ डाटा खाली है, कुछ डाटा यहाँ पर फिलअप है। तो सारे यहाँ पर वो हैं, यानी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैंक लास्ट ईयर कहाँ तक गया था। इसके अलावा अगर दोस्तों आप लेटरल एंट्री बेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए सेलेक्ट करना है डिप्लोमा इंजीनियर लेटरल एंट्री। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। दोबारा से अगर हम नीलू खेड़ी करते हैं, जो भी जिस भी हरियाणा में आप जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी लोकेशन में आप पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोबारा से मैंने यहाँ पर नीलू खेड़ी किया, और डिस्प्ले पे आप क्लिक करोगे तो आप 12th बेस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रैंक गया हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, जैसे कि मैं दोबारा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ले लेता हूँ यहाँ पर ये ब्रांच, यानी कि पहले लास्ट ईयर यहाँ पर जिसका रैंक AIC मिनिमम में 14 था और मैक्सिमम 14 ही गया, यानी कि स्टूडेंट कम थे, तो जितने भी स्टूडेंट सभी को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिल गई थी। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं कैटेगरी यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि BCA का, इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी पड़ती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ESM मिनिमम मैक्सिमम। लेकिन कुछ डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो कॉलेज वालों ने यहाँ पर फिलअप किया या नहीं किया उनकी ये गलती है। लेकिन कुछ कुछ डाटा है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका रैंक कितना आपको मिला है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया है कि लास्ट ईयर का रैंक कितना गया था, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका रैंक जितना कम होगा तो उतना अच्छा आपको यहाँ पर ब्रांच मिल जाएगी, यानी कि जिस ब्रांच से या फिर जिस भी फील्ड से या फिर जिस भी ट्रेड से आप करना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या फिर किसी भी फील्ड से आप करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो और इसके अलावा जिस भी पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका रैंक कम है और आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निकल की, प्राइवेट की कम वैल्यू होती है, जितनी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो होती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की। अगर आपके इसमें एडमिशन हो जाता है, एक तो आपको फीस कम होगी और आपका जो डिप्लोमा होगा वो काफ़ी मान्यता होगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी होगी, होंडा कंपनी, इसके अलावा टाटा कंपनी, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो फ्रेंड्स ये तक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरे 10th बेस में 70% है, 80% है, इसके अलावा 12th में मेरे जो नंबर हैं वो 80-90 या फिर 92% है, क्या मुझे कौन सी पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेना चाहिए या फिर मुझे एडमिशन पॉलिटेक्निकल में मिलेगा गवर्नमेंट में या फिर नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक करना। अगर दोस्तों आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।